तुमने डेफिनेशन दे दी थी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस विद एयर, ठीक है इतनी बात, वो एंगल हो गया। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो मिले थे हमें, अक्यूट और ऑब्ट्यूज। एक चीज देखो, जब अक्यूट एंगल मिला, ओए अब बातें नहीं, और ये एंगल आई के ये आया कैसे था ऐसे सरफेस, देखो एक मिनट, सरफेस क्यों आया था? अगर ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है, सपोज दिस इज लिक्विड, ठीक है, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है किसका, लिक्विड का, सॉलिड सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन से क्या लगा रहे हैं, अधेसिव फोर्स, और वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, तो वो फोर्स तो बेकार हो गया। अब आप देखो इधर की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स आया और इधर की तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स का क्या है, अधेसिव फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। तो इस वजह से सरफेस इस टाइप से बन रहा है, क्लियर इतनी बात, ठीक है भाई। अब क्या इशू है हमारे पास, अगर अक्यूट एंगल आ रहा है तो लिक्विड इसका मतलब सॉलिड सरफेस पे क्या कर रहा है, फैल रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है तो लिक्विड नहीं फैल रहा है सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो लिखो जरा, लिखो, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अक्यूट, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अक्यूट, देन वी से लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, ठीक है। अगली बात लिखो, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज, देन लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। अरे आवाज नहीं जा रही है, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुको रुको, अब ठीक है, अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने क्या लिखाया, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट है तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, लिख लिया सबने, अरे इनसे पूछ रहा हूं, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अक्यूट देन लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज देन लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट आता है तो लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करेगा, और अगर ऑब्ट्यूज आता है तो वेट नहीं करेगा, ठीक है इतनी बात। अब लिखो जरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूं यार, लिखते जाओ, ये लिखा है भाई, अब तो क्लियर है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, पहला नेचर ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है, दूसरा सॉलिड सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। आप पानी को देखो, पानी को अगर आप ग्रीज्ड सरफेस के ऊपर रखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, हाँ या ना, और किसी कपड़े टाइप की चीज पर रखोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा फैल जाएगा, अक्यूट एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा नेचर ऑफ सॉलिड सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड, एज वेल एज ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब एयर की ह्यूमिडिटी प्रेशर, इस पर भी जो एयर कॉन्टैक्ट में होगी उसके प्रेशर पे ह्यूमिडिटी पे जो भी है, ठीक है, एज वेल एज ऑन नेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर राइजेस। अब ऐसा क्यों, आप ऐसे देखो भाई,
ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है या नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक बात बताओ, हमने किसकी वजह से बनाया था सरफेस? एक तो एयर की वजह से एडहेसिव फोर्सेस, और लिक्विड के क्या कोहेसिव फोर्सेस। एयर के मॉलिक्यूल्स पहले से ही काफ़ी दूर होते हैं, तो टेम्परेचर का चेंज करने पर उन सेपरेशंस में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ेगा लेकिन पहले से ही बहुत बड़ा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जब सेपरेशन बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएंगी? वीक पड़ेंगी। वीक पड़ेंगी तो एक बात बताओ, कोहेसिव फोर्सेस वीक पड़ेंगी तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा और इधर की तरफ, और इधर की तरफ तो एंग, और ये तो ऐसा था कुछ, रिजल्टेंट हल्के हल्के किधर आने लगेगा? नीचे की साइड। ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्सेज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक और चीज होती है भाई, जैसे आपने 10th क्लास में वो पढ़ा होगा, सोप और डिटर्जेंट पढ़ा है ना, पढ़ा था RCOONA+, है ना, RCOO-NA+। ठीक है, एक्चुअल में अगर पानी से हम कपड़े धोएं तो ग्रीज्ड स्पॉट्स रिमूव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जब उस ग्रीज्ड स्पॉट के ऊपर पड़ता है तो फैलता नहीं है भाई। अगर ये ग्रीज्ड स्पॉट है, मान लो इसके ऊपर पानी पड़ गया तो ड्रॉप जैसा बन जाएगा, हाँ या ना? अगर इसके ऊपर फैल जाए, फैलने पे ही कपड़े साफ होते हैं भाई, जब वाटर डिप अंदर चला जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वाटर में क्या इंट्रोड्यूस करेगा? डिटर्जेंट्स या सोप्स। डिटर्जेंट्स और सोप्स सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, और ये क्या करती हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को घटाएंगी। तो पानी क्या करेगा, उस स्पॉट के ऊपर फैल जाएगा, और उसको क्या कर सकता है, और डिटर्जेंट में जैसे एड में दिखाता है एरियल वाले में कि ये तीन टांगे टाइप के होते हैं, एक्चुअल में RCOO+ और Na-, तो कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव उस स्पॉट के साथ क्या कर जाता है, बॉन्ड बना करके उसको क्या कर लेगा, उखाड़ लेगा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, हमें उससे खैर मतलब नहीं केमिस्ट्री से, हमें सिर्फ फिजिक्स से मतलब है। लिखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज विद एडिशन ऑफ soluble impurities such as soaps and detergents. Angle of contact decreases with addition of soluble impurities such as soaps and detergents. ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी आया तुम लोग। चलो अब एक और चीज दिखा, क्या कराया था इसके बाद तेरी कॉपी में, ये सुबह शाम को आया था। ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद, ये तो सब लिख दिया हमने ना। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और भाई, जैसे ये हॉरिजॉन्टल था सॉलिड सरफेस, अगर मैं इसी को सरफेस को इंक्लाइन कर दूं और इसके ऊपर लिक्विड डाल दूं, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस। कुछ लोगों को लगे कि इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा, तो इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस। क्लियर है? अब हम एक और बात करते हैं। लिखो, शेप ऑफ मेनिस्कस, यही जो पढ़ा रहा हूं, शेप ऑफ मेनिस्कस इन नैरो ट्यूब्स। अब जरा देखो, एक मिनट, आपने एक चीज देखी होगी, ध्यान से देखो कि जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी का एक कंटेनर है, उसका एक सरफेस ऐसा होता है या नहीं होता है, एक साइड का ही, एक साइड कैसी होगा उधर। तो जब इसमें पानी भरते हैं तो कुछ इस टाइप से बनता कि नहीं बनता है, ऐसा होता है या नहीं होता है? इधर की साइड से पानी हल्का सा क्या कर रहा होता है, इस पर चढ़ रहा होता है साइड में। मैं यहां भी दिखा देता हूं, इसमें पानी नहीं है कहीं भी। ठीक है, पानी इस साइड से क्या करता है, चढ़ता है। और अगर सेम ये कंटेनर है और मरकरी होता है इसमें, तो वो ऐसा सरफेस बना रहा होता, हाँ या ना? अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें दोबारा से,
पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं। मान लो ये वॉल है कंटेनर की और ये हमारे पास लिक्विड है, ऐसी होता है कि नहीं होता है पहले अगर आपने देखा हो कभी तो? यस सर। अब ये सॉलिड सरफेस हो गया, ये लिक्विड सरफेस हो गया और ऊपर क्या हो गया? एयर। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं यहां पर तो देखो जरा, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इन एयर, एक ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इन लिक्विड, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसा आ रहा है? अक्यूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ मुझे। हाँ या ना, अक्यूट एंगल आ रहा है। और देखो इसी वजह से लिक्विड ना साइड में ऊपर चढ़ रहा है, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है? वेट करने की कोशिश कर रहा है। किसको? सॉलिड सरफेस को। अगला, अब इसमें देखो बेटा, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस इन एयर बन गया और टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इन लिक्विड, ये एंगल कैसा बन गया? ऑब्ट्यूज। इस केस में लिक्विड सरफेस पे चढ़ नहीं रहा है, नीचे आना चाहता है, तो दैट इज व्हाट, डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। तीसरा केस ये भी बन सकता है, हालांकि ये होता नहीं है, ये बहुत ही आइडियल कंडीशंस में मिलेगा, फ्लैट। हाँ, ये वाला केस हमें बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा, अगर मिलेगा तो, मतलब वाटर और प्योर वाटर और ग्लास के लिए मिल जाता है, ग्लास के लिए भी नहीं, प्योर वाटर और सिल्वर के लिए मिलता है, ठीक है, 90 डिग्री वाला। लेकिन वो हमारे पास कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं इसका। अब ये कहानी आ गई, इसमें देखो अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ टू द लिक्विड सरफेस इन एयर, वो ये बनेगा, एंड टू द सॉलिड सरफेस इन लिक्विड, वो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और एंगल कितना आ गया इनके बीच में जरा देखो, 90 डिग्री, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब इन तीनों की एक्सप्लेनेशन देनी है पहले मुझे, किससे? कोहेसिव फोर्सेज और एडहेसिव फोर्सेज से, ठीक है, क्यों ऐसे सर्फेसेस बन रहे हैं? हो गए, मेनिस्कस ही तो है, देखो इसमें कनकेव अप बन रहा है, इसमें कनकेव डाउन बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है? फ्लैट बन रहा है, ठीक है, हो गया भाई। चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, बढ़े आगे, और भाई इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मो, ठीक है, लास्ट में एसएचएम वेव। ग्रेविटेशन में पढ़ाता ही नहीं कभी, हाँ वो करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन भी कराऊंगा लेकिन 12th के फर्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, मैं एक साइड लिख रहा हूँ K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर और एक साइड लिख रहा हूँ G M1 M2 अपन R स्क्वायर, बस, ठीक है, वही हो जाएगा, वो नहीं भी कराऊंगा तो भी हो जाएगा, तब आप कहोगे हाँ हो गया हमारा चैप्टर। क्या चीज? ग्रेविटेशन बिल्कुल 12th में होगा, ठीक है, इतनी बात। तूने एडमिशन खन्ना जी से लिया है, किससे लिया है? अलग लिया तो फिर तू जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, खन्ना जी से लिया तो हमारे पास ग्रेविटेशन नहीं आता इस साल, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहानी है, अब सुनो, मैंने तो कोटा में पढ़ा था, मुझे तो सबसे पहले 11th में ऑप्टिक्स कराई गई थी, मसाला 11th पढ़ाया नहीं उन्होंने मुझे कभी, मतलब 12th वाला पहले पढ़ा दिया, 11th वाला बाद में पढ़ा रहे हैं, मैंने कल ले बोर्ड के भी देने थे एग्जाम, क्या करूं, मतलब तब तक 12th वाले भूल गया। अब क्या कहानी है भाई, ये हो गया, अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ठीक है, इतनी बात, और ये अपने पास
लिक्विड का सरफेस है बेटा, बातें नहीं, दीज आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, यहां पर एक और इधर भी एयर, इधर भी एयर, ऊपर सॉलिड सरफेस नीचे सॉलिड सरफेस, यहां पर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल पकड़ लिया हमने। ठीक है, इतनी बात। अब लिक्विड का मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ा, ठीक है, क्योंकि हम किस में बात करेंगे, कैपिलरी ट्यूब्स में बात करेंगे, तो ट्यूब बहुत पतली होती है, तो इधर वाली जो ट्यूब के अंदर एयर आएगी ऊपर वो लगभग लगभग क्या होगी, खत्म सी होगी। ट्यूब नैरो ट्यूब्स की बात करेंगे इनकी, ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए इस वाले एयर का कोहेसिव फोर्स मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब आप देखो, अब आप इस मॉलिक्यूल पे देखो, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं, पहले कौन सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सर्कल बनाऊंगा, उस सर्कल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस पे क्या लगा रहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मैंने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया है यहाँ, ये एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, तो क्वार्टर सर्कल आइडेंटिकल है पूरा का पूरा, हर मॉलिक्यूल मतलब इधर डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी लिक्विड की। तो जो इस मॉलिक्यूल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बिल्कुल किस पे, 45 डिग्री पर बीच में, हाँ या ना। अरे भाई, इस सर्कल में, क्वार्टर सर्कल में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल वे आउट से स्प्रेड होंगे कि नहीं होंगे, तो किस पे लगेगा, बिल्कुल इंटरमोलिकुलर फोर्स 45 डिग्री पे नेट। तो ये एंगल कितना हो गया अपना 45 डिग्री, एंड दिस फोर्स इज व्हाट, कोहेसिव। ठीक है, इतनी बात, कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। अब इधर आ जाओ, इधर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्वाड्रेंट हैं, ऊपर और एक नीचे, ऊपर वाले का 45 पे और नीचे वाले का 45 पे, उन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया इधर, एयर वाला देख, ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर डेंसिटी सेम होगी हर जगह, तो किसने एंगल पे फोर्स आएगा, अधेसिव फोर्स 45 पे, और नीचे भी एक क्वाड्रेंट है, कितने एंगल पे फोर्स आएगा, अधेसिव 45 पे, और सेम आएगा। अब अगर दो एंगल 90 डिग्री, मतलब ये 45, ये 45, और ये भी F और ये भी F, तो रिजल्टेंट इन दोनों का किस पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। तो उतनी बात कर रहा हूं मैं, अब जरा देखो एक मिनट, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ऐसे करके अधेसिव फोर्स आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा देखो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स किधर आ गया, नीचे, मतलब हमेशा जब भी ये फ्लैट बनेगा, मतलब इसको फ्लैट होने के लिए क्या होना चाहिए, जितना फोर्स इधर लगा स्ट्रेच होने के लिए उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। तो इधर कितना फोर्स लगा जरा देखो, एफ सी कॉस 45 या साइन 45, हाँ या ना। तो इधर की तरफ का फोर्स कितना, एफ सी बाय रूट टू, मतलब स्ट्रेच्ड है ना ये, फ्लैट है, एफ सी बाय रूट टू इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू एफ ए रूट टू। अगर ये रिलेशन है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि एफ सी अगर एफ ए रूट टू के बराबर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, या मेनिस्कस कैसा बनेगा, फ्लैट बनेगा। नोट करो इस बकवास को जल्दी से, क्या हो गया, एयर के मॉलिक्यूल्स तो लगाएंगे ही फोर्स, एक बात बता, देख देख रुक जा रुक जा, ये है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, अब अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेरे पीछे तक आ रहा है इसका गोला घुमा करके, अब बीच में तू है तो भी मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये मेरे ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और सॉलिड सर, हाँ सॉलिड सरफेस के फोर्सेस का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि जितने ये बीच में ऐसे पड़ा हुआ ना, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। हो गया भाई, जो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा वो फोर्स लगाएगा। यही बात इसने करी ना, अब ये करे, एक बात बता, ये सॉलिड सरफेस है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ था, ठीक है, ऊपर भी सॉलिड ने फोर्स लगाया, इधर भी 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 लगाया, सॉलिड वाले तो अपने आप कैंसिल हो गए, ये मॉलिक्यूल यहाँ है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है मान लेते हैं, तो इधर वाले भी लगाएंगे, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे इधर वाले भी लगाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें,
ठीक है। मतलब अगर सरफेस आ गया बीच में तो हवा कैसे लगा रही है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात होता, मैं मास M1 हूँ, ठीक है, तू M2 है, ये पीछे M3 है, अब बीच में तू आ गया, तब भी क्या ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं इसके ऊपर? लगाओगे। फिर हो गया भाई। अब मैं अगर इसको धक्का देता हूँ, ठीक है, तो इधर भी लगेगा फोर्स, अगर मैंने जोर से दिया तो। बीच में दो लोग फालतू आ रखे हैं। अब देखो भाई, बढ़े आगे। यस सर। अगला बनाए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अभी हम कैपिलरी राइज करेंगे। अब अगला देखो भाई, अच्छा इसको छोटा कर दो यार। ये अपने पास सॉलिड सरफेस अगेन, किसमें वाटर लेवल यहां पर इस मॉलिक्यूल को नीचे जाने वाले फोर्सेस अलग कहानी है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से बैलेंस होगा। मुझे सिर्फ इसके मेनिस्कस के शेप को बताना था, अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर लग रहा है तो क्या बिहेव करेगा? स्ट्रेच जैसा, ठीक है, मुझे ये मतलब था अभी यहां पर। तो बात की बात है कि क्यों जाएगा क्यों नहीं जाएगा, राइज एंड फॉल अभी पढ़ेंगे हम, चिंता ना कर, वही पढ़ने के लिए कहानी बना रहा हूं सारी। ऐसा बन गया, ये भाई, ठीक है। अब जरा देखो, अब एक बात बताओ, एडहेसिव फोर्स में कोई फर्क पड़ा? एडहेसिव फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोहेसिव फोर्स वीक पड़ गए कि नहीं पड़ गए? ऊपर से मॉलिक्यूल गायब हो गए, हाँ या ना? तो अब खेल के हमारे पास, अगर ध्यान से देखो, एडहेसिव फोर्स रिमेन सेम, एडहेसिव फोर्स रिमेन्स सेम, क्यों? उतने ही मॉलिक्यूल इधर भी थे, अभी भी उतने ही है, बड़े चेंज हुए क्या मॉलिक्यूल से एयर के? एयर के मॉलिक्यूल्स तो नहीं चेंज हुए ना, तो क्यों चेंज होगा? ठीक है, हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो कोहेसिव फोर्स क्या कर गया आपका? वीक पड़ गया, ये छोटा हो गया, हाँ या ना? अब इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि इधर वाला फोर्स बड़ा हो गया और इधर वाला छोटा हो गया, तो किधर, पहले तो ऐसे आ रहा था रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो रहे थे, अब क्या होगा, अब ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? इधर की तरफ, हाँ या ना? ये रिजल्टेंट आ जाएगा, पहले रिजल्टेंट किस पे था? इस पे था भाई, ठीक है। अब ऐसा हो गया, रिजल्टेंट बाहर निकल गया। अब एक बात बताओ, एफ ए विल बी ग्रेटर देन, या एफ, देखो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल भी बदल गया होगा हालांकि, लेकिन फिर भी मैं मान लो 45 डिग्री मान रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो एफ सी बाय रूट टू, अब जो आएगा हमारे पास एफ सी बाय रूट टू, ध्यान से देखना, पहले कितना था इधर, एफ सी बाय रूट टू, और वो पहले किसके बराबर था? एफ ए के बराबर था। अब एफ ए बड़ा हो चुका है किससे? एफ के उधर वाले कंपोनेंट से, तो हम ये भी कह सकते हैं एफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट? एफ सी बाय रूट टू, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, एफ सी इज लेस देन रूट टू एफ ए, ये कंडीशन आ गई, तो अब अक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है भाई, हो गया। लड़की यहां पर एफ सी का कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, कोई भी आएगा, ये एफ ए उस कंपोनेंट से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है ना, तो मैंने वही यूज करा, मैंने मान लिया कंपोनेंट एफ सी बाई रूट टू ही था, मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट डाल दिया, उससे भी क्या आ गया, बड़ा, तो अपने आप कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बनेगा, किधर खींच देगा, इधर खींच देगा, मतलब जो इधर मैक्सिमम वैल्यू थी कितनी थी, एफ सी बाय रूट टू थी, मैंने कहा उस मैक्सिमम से भी एडहेसिव वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हमेशा एंगल कैसा बनने वाला है, ऐसा ही। अरे भाई इस एक्चुअल में तो इससे छोटा आया होगा, यहां पर मैं कह रहा हूं जो मैक्सिमम आ रहा था उससे भी बड़ा हो जाए, तो हमेशा यही एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इतनी सी बात कर रहे हैं हम। अब लास्ट केस देखो, इसमें मतलब मैक्सिमम पॉसिबल से भी बड़ा आ गया एफ ए, पहले क्या था, एफ ए मैक्सिमम के बराबर था, अब मैक्सिमम से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो अपने आप ही क्या हो गया, नीचे खींच देगा, बात खत्म, मतलब किधर आ जाएगा रिजल्टेंट, बाहर की तरफ। अब आप अगला केस देखो, लास्ट, मतलब इसके एप्लीकेशन अभी आएंगे तब आपको क्लियर होगा क्या चल रहा है हमारे पास।
ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ए हो गया कि नहीं हो गया भाई? अरे ये सुनो, अच्छा अब एक बात, तो अब एफ सी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो एफ सी का इधर वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? मतलब एफ ए अब हमेशा छोटा होगा। ठीक है चलो पहले एफ सी बना ही लेते हैं। रिजल्टेंट अब ऐसा आ गया कुछ अंदर की तरफ, क्लियर है? अब मैं क्या कहूंगा कि एफ ए इज लेस देन एफ सी बाय रूट टू, उससे क्या हो गया छोटा। अब हमेशा छोटा होगा मैक्सिमम वैल्यू से, हाँ या ना? कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती थी एफ सी बाय रूट टू, उससे हमेशा क्या हो गया छोटा। अब कितना आ गया एफ सी इस केस में, क्या आ गया ग्रेटर देन एफ ए रूट टू, इतनी सी बात है। अब आगे बात करते हैं, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये तीनों याद रखना, अगर एफ ए इज इक्वल एफ सी इज इक्वल टू एफ ए रूट टू देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, इफ एफ ए सॉरी एफ सी लेस देन रूट टू एफ ए तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट, ग्रेटर देन तो कितना ऑब्ट्यूस, ये ध्यान रखना, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन काम पे जो हम बायो में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। चलो अब देखो भाई, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन बस बातें नहीं। अगर हम नैरो ट्यूब नैरो मतलब पतली ट्यूब जिसका रेडियस बहुत छोटा होगा, डिप करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड का लेवल आइदर राइज करता है या फॉल करता है, दैट एक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी। ठीक है इतनी बात, तो लिखो जरा, लिखो व्हेन वन एंड ऑफ नैरो ट्यूब इज डिप्ड इनटू लिक्विड, व्हेन, और नैरो क्यों, ये सारी बातें अभी आपको जब फॉर्मूले बनेंगे अपने आप क्लियर हो जाएंगी। व्हेन वन एंड ऑफ नैरो ट्यूब इज डिप्ड इनटू लिक्विड, लिक्विड आइदर राइजेज और फॉल्स इन द ट्यूब, लिक्विड आइदर राइजेज और फॉल्स इन द ट्यूब, लिक्विड आइदर राइजेज और फॉल्स इन द ट्यूब। ठीक है, लिक्विड या तो राइज करेगा या फॉल करेगा ट्यूब में, सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी, सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। अब क्यों होता है ऐसा, उसको डिस्कस कर लें पहले, फिर फॉर्मूले बनाते हैं कितना राइज किया कितना फॉल किया। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये छोड़ोगे, सपोज दिस इज ट्यूब, ठीक है, ऐसा मेनिस्कस बन रहा है बेटा, कैसा मेनिस्कस बन रहा है, कनकेव। ठीक है अगर ऐसा मानते हैं तो एक बात बताओ, जो कनकेव अब यहां बना है, थोड़ा सा मोटी ट्यूब कर दो, बट डायग्राम के लिए मोटी है, अदरवाइज ये क्या पतली सी है, ये कनकेव अब बन रहा है, तो ये ऐसे करके कटोरा सा बन रहा होगा अंदर, ठीक है ट्यूब है ना ये, तो ऐसे बाउल टाइप का आ रहा होगा छोटा सा, इस बाउल का यहां पर ऐसे करके सर्कमफ्रेंस बन रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना? अब आप देखो इस सर्कमफ्रेंस जो बन रहा है, ये इसकी क्या हो गई इमेजिनरी लाइन हो गई, हाँ या ना? और ये लिक्विड का क्या हो गया सरफेस, ठीक है, तो सरफेस के टेंजेंट और लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे करके सरफेस टेंशन का क्या आएगा, फोर्स आएगा कि नहीं आएगा ऊपर की तरफ, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, इसे ऊपर उठाना चाहेगा। तो जब भी कनकेव अब बनता है मेनिस्कस, तो लिक्विड का लेवल क्या करना चाहेगा, राइज करना चाहेगा। एक काम और करो, अगर मैं कनकेव डाउन बना दूं, सपोज मैंने ऐसा बनाया, ठीक है इतनी बात, अब जरा देखो ये बना, ऐसा बन गया, अब ये इमेजिनरी क्या हो गई लाइन, इसके क्या, इसके टेंजेंट और लाइन के क्या परपेंडिकुलर, ऐसे करके नीचे की तरफ लगेंगे, अब लेवल ऑफ लिक्विड विल व्हाट फॉल, ठीक है इतनी बात। तो यही दो फिनोमेना है, ठीक है, कि
कई बार जब कनकेव डाउन मिनिस्कस होगा तो अपने आप क्या करेगा, फॉल करेगा, और कनकेव अप होगा तो अपने आप क्या करेगा, राइज करेगा। तो कितना राइज करेगा, कितना फॉल करेगा, वो अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो राइज एंड फॉल ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कैलकुलेशन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। अब इसको देखना, हमारे पास दो मेथड है भाई। ठीक है, एक होगा लोड बैलेंसिंग, ठीक है, या फोर्स मेथड, और दूसरा होगा क्या, प्रेशर वाला। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम करेंगे ताकि आपको दोनों से क्लियर हो जाए क्या हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, ये लिक्विड डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन एस। ठीक है, इतनी बात। और ये जो ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, इसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये कहानी है। अब एक काम करते हैं, मान लेते मेनिस्कस कैसा था, कनकेव अप था, तो राइज करेगा। मैं राइज वाला कैलकुलेट कर दूं पहले, कैसे ट्यूब है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये मेनिस्कस बन गया। ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, जो मेनिस्कस बना होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा या नहीं होगा? एक कंप्लीट स्फेयर का एक हिस्सा ही होगा। भैया आप ऐसे देखो, बेटा जी जिसने मास्क लगा रखा सब मास्क लगाओ। ये है या नहीं, ये हिस्सा है या नहीं, तो यहाँ दिख रहा है, यस सुनो, ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? नीचे वाले हिस्से को देखो, ये हिस्सा दिख रहा है वहां पर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास आ गया, यहां तक लिक्विड क्या कर गया, सपोज राइज कर गया। अब मुझे बताना है कितना हाइट लिक्विड राइज कर गया, तो मैं इस हाइट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, दिस इज वॉट एच। ठीक है, इस हाइट को कैलकुलेट करना है। अब दो मेथड है, एक तो है फोर्स मेथड या लोड बैलेंसिंग, और एक है प्रेशर वाला। ठीक है, पहले मैं प्रेशर वाला कराऊंगा, ठीक है, तब लोड बैलेंसिंग वाला और अच्छे समझ में आएगा। अब जरा देखो, यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, मानते हो या नहीं मानते हो भाई, ध्यान सुनना। ठीक है, और जस्ट इस सरफेस के नीचे, क्योंकि इस जगह पर पी नॉट है, तो यहां पर कितना होगा, कितना होगा, कितना पी नॉट, कितने लोग बोल रहे हैं, पी नॉट कितने लोग बोल रहे हैं, एक दो, जस्ट इस सरफेस के नीचे कह रहा हूं मैं, कौन बोला जीरो, इस जगह पे प्रेशर पी होगा, पी नॉट से थोड़ा सा कम, क्योंकि कनकेव मेनिस्कस जब भी होता है तो कनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, और कन्वेक्स साइड में कम, तो इस जगह पे प्रेशर हमने क्या ले लिया, पी ले लिया इस जगह पे, हाँ या ना। अब मुझे एक बात और पता होती है कि कैसा मेनिस्कस था, स्फेरिकल मेनिस्कस है, अरे कैसा मेनिस्कस है, स्फेरिकल मेनिस्कस, तो मुझे प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द स्फेरिकल मेनिस्कस का रिजल्ट पहले से ही पता है, कितना है, 2s / r, r इज व्हाट, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, अरे मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है, चलो देखो अब एक मिनट, तो यहां पर P नॉट, ठीक है, इतनी बात।
सॉरी यहां पी ऊपर पी नॉट, ठीक है। इसका डायग्राम अलग से बना दूं थोड़ा सा, अब देखो भाई ये ऐसा मेनिस्कस बना कि नहीं बना। इस मेनिस्कस का रेडियस कितना, कैपिटल आर, और ट्यूब का रेडियस कितना, स्मॉल आर। ऊपर प्रेशर कितना है, ऊपर है पी नॉट, हाँ या ना, और नीचे कितना पी, जस्ट इसके नीचे। तो जो प्रेशर डिफरेंस होता था 2s अपॉन आर होता था, यानी कैलकुलेटेड है। अब मैं बार बार कैलकुलेट करूं तो उससे अच्छा है कि पहले वाला रिजल्ट यूज करें। तो पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 2s अपॉन रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यस ऑर नो, ठीक है। अब p किसके बराबर हो गया, p नॉट माइनस 2s अपॉन r, मानते हो या नहीं मानते हो, देखो कम है या नहीं p नॉट से, यस ऑर नो। चलो अब एक मिनट सुनो भाई, इतनी बात हो गई। तो इस पॉइंट का प्रेशर अब आपको नोन है, क्योंकि आपको s पता था, एटमोस्फेरिक प्रेशर पता था, हाँ रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं पता है, मान लेते हैं वो बाद में भी निकाल लाएंगे, कि चिंता ना करो, ठीक है। इतनी बात, अब जरा देखो ये आ गया, अरे ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, यहां का प्रेशर पी, अच्छा अब एक बात बताओ, यहां प्रेशर कितना बेटा, इस जगह पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इस जगह पे प्रेशर पहले पी नॉट है, पहले तो पी नॉट है इस जगह पे। लिक्विड एट रेस्ट एंड सेम लिक्विड एट रेस्ट और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता था, सेम। तो इस जगह पे भी प्रेशर क्या है, पी नॉट है, हाँ या ना। अब रुको एक मिनट, यहां पर पी है, यहां पर पी नॉट है, हाँ या ना। तो डेप्थ में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पी प्लस रो जी एच, हाँ या ना। तो अब क्या आ गया हमारे पास, पी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू वॉट, पी नॉट, यस ऑर नो। अब हम P की वैल्यू डाल दें, कितनी डाल देते हैं, P नॉट माइनस 2s अपॉन R प्लस रो जी एच इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट, हाँ या ना। P नॉट कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, रो जी एच इज इक्वल टू 2s अपॉन R, means h is equal to 2s upon rho g capital R, yes or no? सब उठा लीजिए, बहुत सारे नीचे, क्लियर है, आ गया हाइट। लेकिन अभी ये किसके टर्म्स में आया, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब रुको एक मिनट, अभी लिखो नहीं, लिखो नहीं, चुपचाप से पहले सुन लो पूरी बात। अब देखो एक मिनट, इसी को मैंने यहां बनाया था, है ना। अब आप देखो एक मिनट, अगर मैं यहां पर देखूं, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है या नहीं है, हाँ या ना, ये सुनो। तो यहां पर कैसा, जरा देखो एक मिनट, हाँ ये सॉलिड सरफेस था या नहीं था, ये सुनो, ये सॉलिड सरफेस था इधर भी और इधर भी। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, एफ एस, हाँ या ना। और ये एंगल कितना, थीटा है या नहीं, ऐसे ही लगा होगा, हालांकि उससे हमने करा ही नहीं इस सवाल को, हमने सरफेस टेंशन के फोर्स का पार्ट सब इसी में डाल दिया पहले से ही, वरना मैं क्या करता, यहां पर P नॉट इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस P इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन का फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे तो डिराइव किया था हमने, याद है, मेनिस्कस के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस, उसी से क्या आया था, 2s अपॉन R। अब सुनो, लेकिन अब यहां देखो क्या चल रहा है,
ये एंगल अपने पास कितना आया थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये भी कितना थीटा, हाँ या ना। अब आप देखो, आप क्या कह सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, कह सकते हो भाई, कॉस थीटा इज रेडियस ऑफ पाइप अपॉन रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अब आप देखो कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, यहां डाल दो, दो फॉर्मूले आ गए, एक इन टर्म्स ऑफ व्हाट रेडियस ऑफ पाइप और एक इन टर्म्स ऑफ व्हाट रेडियस ऑफ मिनिस्कस। लेकिन जब आपको रेडियस ऑफ पाइप के टर्म्स में फॉर्मूला है तो उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चाहिए, कितना थीटा है, अरे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है, हाँ या ना, नोट करो, आ गया कि नहीं आ गया भाई, अरे क्लियर है मेरी बात, दोबारा सुन लो भाई, मैंने करा क्या, मैंने क्या करा, यहां पर पी नॉट है, यहां पर पी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मिनिस्कस कैसा है, कनकेव, ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर स्फेरिकल मिनिस्कस है, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप में बनेगा कैसा, स्फेरिकल मिनिस्कस, स्फेरिकल मिनिस्कस है तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एनी स्फेरिकल मिनिस्कस इज व्हाट, 2s/r, ये हमें डायरेक्टली पता है, वेयर r इज व्हाट रेडियस ऑफ मिनिस्कस, पता है ना। अब तो यहां से p निकाल लिया हमने, रुको, ये p आ गया। अब अगर मैं h डेप्थ पे प्रेशर निकालना चाहूं तो दैट वुड बी p प्लस रो जी एच इनसाइड द लिक्विड, अरे भाई यहां पर p है और उसके h डेप्थ पे बताना है तो p प्लस रो जी एच, एंड प्रेशर ओवर हियर इज व्हाट p नॉट, सेम लेवल पे है, तो मैंने p प्लस रो जी एच को किसके बराबर कर दिया, p नॉट के, और मेरे पास क्या आ गया, रो जी एच इज इक्वल टू व्हाट, 2s अपॉन r, h आ गया कि नहीं आ गया, रेडियस ऑफ मिनिस्कस आ गया, मतलब रेडियस ऑफ मिनिस्कस के टर्म्स में आया h। फिर मैंने, अगर मुझे रेडियस ऑफ मिनिस्कस नहीं प्रोवाइडेड है, मान लो गिवन नहीं है, तो मैं किसके टर्म्स में बताऊंगा, पाइप के रेडियस के टर्म्स में, हाँ या ना। तो मैंने क्या करा, पाइप के रेडियस और मिनिस्कस के रेडियस में रिलेशन एस्टैब्लिश करा, क्या, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट रेडियस ऑफ पाइप अपॉन रेडियस ऑफ मिनिस्कस, क्लियर इतनी बात, वेयर थीटा इज व्हाट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज ऑल्सो गिवन अस, गिवन टू अस, इस लिक्विड और इस सॉलिड सरफेस के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, थीटा है, गिवन था। अब समझ में आ गया, तो ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देखें, और देखो भाई एग्जाम में आपके काम आएगा डेरिवेशन ही, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम फॉर्मूले रट लें और काम आ जाए, कभी नहीं होता है, जो लोग नंबर लाते हैं ना उनको डेरिवेशन भी आती है, जिनके नंबर कम आते हैं उनसे खुद उनके उनको अपने मन में पता होगा कि हम ये चीज डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। और पेपर अब से मैं ही बनाऊंगा सारे, क्योंकि अब विनय पास में आ गया, वरना उतनी दूर जाने में दिक्कत होती थी, मतलब बाहर निकलते ही पेपर बना दूंगा मैं, ठीक है, तो पेपर बिल्कुल ही ओरिजिनल से बनाऊंगा, हो गया, बढ़े आगे, हो गया। अच्छा लिखो, लोड बैलेंसिंग मेथड, ये नाम दिया था ना, या फोर्स मेथड दिया था, सेकंड मेथड इज लोड बैलेंसिंग मेथड, फिर ये राइज की बात होगी, अभी फॉल वाले भी कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको तो चार बार डिराइव हो जाएगा दोनों, है ना, तो आपको शायद याद हो जाए। अब लोड बैलेंसिंग मेथड, अब लोड बैलेंसिंग मेथड क्या है बेटा, ये पाइप है, अगेन वर्ड, अच्छा एक चीज और, फॉर्मूला देखो क्या आया, एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, अगर r में मीटर्स में कर दूं, ध्यान से देखना, स्मॉल r है ना, मैंने कहा था नैरो ट्यूब होनी चाहिए, अगर मैं r को मतलब पाइप के रेडियस को 2 मीटर कर देता हूं, आप एक बात बताओ साला, घर में मोटर लगाने का काम खत्म हो जाता अगर क्या कहते हैं कैपिलरी राइज मोटी पाइप के लिए भी हो रहा होता, भाई मोटर लगा करके हम पानी को ऊपर उठाते हैं ना, तो मोटर नहीं लगाते हम, एक पाइप डाल देते टंकी में और पानी अपने आप ऊपर आ जाता, फिर क्यों लगाई हमने मोटर, तो भाई अगर ये कैपिलरी राइज सब जगह होता होता तो भैया एक सिर्फ कुएं में या जहाँ भी नीचे पानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल है
वहाँ एक पाइप डालते पानी अपने आप घर में सबके आ रहा होता, फिर ये इतना बिजली बोर्ड और ये सब वो मतलब पानी वाले जो हैं उनकी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन हर पाइप में नहीं होता। अगर देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है दैट इज नियरली 0.7 SI यूनिट्स में, मतलब किसी भी लिक्विड का कमी होता है हर किसी का, ठीक है, 0.7 के ऑर्डर का है वाटर का। 0.7 इंटू 2 cos थीटा 1 से कम ही होता है। अरे cos थीटा क्या होता है, 1 से कम होता है कि नहीं होता है? चलो तो ये 1.4 से छोटी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर 1.4 से छोटी वैल्यू आ रही है SI में। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000। जी कितना होता है, 10। 10000 नीचे, हाँ या ना, तो 1.4 अपॉन 10000, ठीक है, पहले ही खत्म हो गया। और रेडियस तो 2 मीटर और ले ले, राइज करेगा कुछ पानी, कुछ भी नहीं राइज करेगा। हाँ अगर मैं यही ट्यूब आर माइक्रोमीटर या मिलीमीटर्स की कर देता हूँ, किसकी कर दूँ, माइक्रोमीटर्स की, माइक्रोमीटर में 10^-6, ठीक है, यहाँ 10000 था तो नीचे 10^-2 आ गया, वो 10^2 ऊपर जाएगा, तो अगर 1.4 ऊपर था, ध्यान सुनो, और 10^2 ऊपर गया तो 1400 मीटर ऊपर चला जाएगा पानी, कि नहीं चला जाएगा? लेकिन किसके लिए, माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर का, मतलब हमारे बालों जैसे फाइबर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, इतनी बात। अरे माइक्रोमीटर्स होते होंगे शायद, मतलब हेयर लाइक पाइप हो अगर हमारी, जैसे मतलब जितनी थिकनेस हमारे हेयर्स की उतनी थिकनेस अगर पाइप की हो तो उसमें पानी काफ़ी राइज कर सकता है, ठीक है। अगर मिलीमीटर के ऑर्डर का है तो देखो यहीं पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1.4 और नीचे 10, यानी कि 0.14 मीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर तक पानी राइज करेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए वैलिड है, जिनका रेडियस क्या हो, कम हो। अगर बड़ा रेडियस हो गया ना तो वैसे ही खत्म सी कहानी थी, ऊपर 1.4 नीचे 10000, वो पहले निकम्मा है, और आर और बड़ा कर दो और खत्म, ठीक है। तो आर किस ऑर्डर का होना चाहिए, तो लड़की इसीलिए तो मैंने इसीलिए कहा ना, पानी वालों जो ये वाटर सप्लाई वाला डिपार्टमेंट है, अगर मोटी पाइप में पानी चढ़ रहा होता तो मैं कभी इसको बिल ना देता, ठीक है, और मैं खुद कमाने लगता, सबके घर में पाइप गाड़ देता, मैं फिर फिजिक्स क्यों पढ़ाता, तो फिजिक्स थोड़ी पढ़ाता, फिर मैं कुछ और सोच रहा होता। अब प्लांट्स में बेसिकली जो पानी या मिनरल को ऊपर खींचने के लिए होता है, वो हेयर लाइक फाइबर्स ही होते हैं, उनके थ्रू पानी जाता है, तो उनकी थिकनेस, उनमें जो ट्यूब्स होती हैं, मिलीमीटर से ऑर्डर के या उससे भी छोटे ऑर्डर के थिकनेस के होंगे, तो उनमें जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये, अब हम किस मेथड से कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग से। अब जरा देखो एक मिनट, अब देखो भाई ऐसा कुछ हो गया, अब ध्यान देते हैं आप एक चीज और देखो, ऊपर ये स्फेरिकल मेनिस्कस बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना, ठीक है, ऊपर स्फेरिकल मेनिस्कस है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर अच्छा रेडियस पाइप का कितना है, आर, ऊपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है या नहीं, है कि नहीं पी नॉट, अच्छा अब यहां पर भी प्रेशर कितना, पी नॉट, पक्का मानते हो, ठीक है। अब इस सरफेस पे जो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा वो होगा पी नॉट इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया इज व्हाट, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो ऊपर से इस पे फोर्स जो लग रहा है P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डाउनवर्ड, लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, हाँ या ना,
अच्छा एक बात बताओ, वॉट इज प्रेशर एट दिस प्लेस? हाँ या ना? तो पी नॉट इन टू पाई आर स्क्वायर यहां से भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पे? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बैलेंस एक दूसरे को। अब एक और चीज, इस लिक्विड कॉलम का क्या वेट W है या नहीं है? यस और नो? इस लिक्विड कॉलम का वेट, तो ये तो नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अब जरा देखो क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे करके क्या आ रहा है? सरफेस टेंशन का फोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सुनो, आ गया कि नहीं आ गया? अब इस सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट फोर्स का, जरा देखो, ये ऐसे हर जगह लग रहा होगा, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट W को बैलेंस कर देगा, और जो साइड वाले कंपोनेंट होंगे एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। पक्का? अब जरा देखो, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, निकम्मो है या नहीं? हाँ या ना? ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा? एफ एस कॉस थीटा। यस और नो? भाई देखो जरा, टोटल फोर्स क्या हो गया? पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस W, नीचे पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस एफ एस कॉस थीटा, किधर? ऊपर। हाँ या ना? तो क्या हो गया? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? नाउ व्हाट इज एफ एस? एफ एस इज एस इंटू टू पाई स्मॉल आर। अरे लेंथ कितनी है? टू पाई आर है या नहीं है? अरे यार सरकमफ्रेंस, एस इंटू डीएल, एस इंटू डीएल, एस इंटू डीएल, ठीक है, उसका कौन सा? ऊपर वाला कंपोनेंट। अरे यस और नो? अब डालने वैल्यूज, ठीक है, तो चलो देखो, W कितना? डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, यही हो गया W। हाँ, इसमें एक एरर भी है, ये जो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी आया निकम्मो, वो सिर्फ इस सिलेंडर का आया, ये जो ऊपर ये बच रहा है ना ये हिस्सा, इसका नहीं आया। नेग्लिजिबल क्यों होगा? कम होगा, ठीक है, अब हम उसे इग्नोर तो कर ही रहे हैं, मतलब एरर तो मान रहे हैं इतना, ठीक है, इतनी बात, किसी भी रिजल्ट में वो चीज हमने ली नहीं, ठीक है, करेक्शन बाद में बताऊंगा, अभी तो हम बिल्कुल उसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, मतलब मान लो छोटा ही है वो, ठीक है। अब रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, ये आ गया W, नहीं बताता तो ये बात ध्यान में भी नहीं आती। एस इंटू टू पाई आर इंटू व्हाट? कॉस थीटा, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो जरा देखो, एच कम्स आउट टू बी व्हाट? टू एस कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। यही रिजल्ट पहले भी आया था? Yes, आया था कि नहीं आया था? Yes, यही आया था ना? Yes, अब एक और चीज, अब आप जरा देखो इस मिनिस्कस को ही देख लेते हैं, वॉट इज दिस आर, और ये कितना स्मॉल आर, मानते हो या नहीं मानते हो? और यही करा था ना अभी थोड़ी देर पहले भी हमने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं चाहे आप चाहो तो। भाई ये स्मॉल आर और ये कैसा? कैपिटल आर। कैपिटल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। स्मॉल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ पाइप। अब जरा देखो, अगर हम इसको इसको देखें तो हमारे पास अपने आप आ गया क्या? ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। हाँ या ना? और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर यहां डालता हूं, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? टू एस अपॉन रो जी कैपिटल आर। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? दोनों मेथड आ गए कि नहीं आ गए? रुक जा, पिछले डायग्राम में जा, वहां अलग से बनाया था। ये देखिए, ये स्मॉल आर था, ये एंगल थीटा था, और ये क्या था? मिनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर। ये जो सर्कल बना था यहाँ, सर्कल का पार्ट ही है ना ये, और एक स्फीयर था,
उसका एक हिस्सा ही तो है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं। ये देखना यार, अगले में है, यहाँ देख, पहले मैंने ऐसे करके गोला बनाया था याद है, फिर उसमें से फिर इतना हिस्सा काट दिया था, बाकी सब ब्लैक कर दिया था। मतलब ये सर्कल, इस स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर का रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ मिनिस्कस, और इस पाइप का रेडियस क्या, स्मॉल आर। इनमें रिलेशन आ रहा है आपस में, क्या रिलेशन आ रहा है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा इज व्हाट, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो अब मैंने इस कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो आर से आर कट गया, छोटा वाला कैपिटल आर आ गया, और रिजल्ट तो दोनों पिछले में बने थे। ठीक है, नोट करो, पिछले में एक्चुअल में क्या था, पहले ये आया था, इससे हम इस पे गए थे, इसमें क्या हो गया, पहले ये आ गया, इससे उस पे गए। ठीक है, इतनी बात। और कई बार वो मिनिस्कस का रेडियस दे देता है, अरे पाइप का रेडियस नहीं देता, तब कैसे निकालेंगे, तब ऐसे करेंगे। अब फॉल ऑफ लिक्विड कर लें, फॉल भी कर लेते हैं ताकि आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाए। बढ़ जाए अगला पेज। चलो अब देखो भाई, एक्चुअल में फॉल तो यहीं पर आ जाएगा, हमने क्या लिखा, 2s cos theta upon rho g small r, इसमें थीटा क्यूट था और फॉल में ऑप्टिव होगा, तो cos theta अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो ऐसे भी पता है कि थीटा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो h क्या हो गया वहां से फॉल, लेकिन डिराइव कर लेते हैं। ऐसा कुछ, ठीक है, ये ट्यूब है हमारे पास। अगेन बेटा बातें नहीं, अगर बातें करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर परेशान हो जाओगे। नीचे गिर गया इसमें, ठीक है, क्यों गिरा अभी बता रहा हूँ। मेनिस्कस कैसा है, कनकेव डाउन है, कन्वेक्स अप है, हाँ या ना, ठीक है, क्यों गिरा अभी देखते हैं। अब देखो भाई कितना गिर गया, वही कैलकुलेट करना है। पाइप का रेडियस स्मॉल आर, सरफेस टेंशन एस, ठीक है, इतनी बात, डेंसिटी रो, ये सारी चीजें की बना। अब कौन सा मेथड लगाऊं पहले, अच्छा इसमें लिक्विड अंदर, यहाँ ध्यान रखना, नीचे की साइड क्या लिक्विड, ऊपर गायब हुआ ना, ठीक है, कौन सा मेथड लगाऊं, दोनों करूंगा, लोड वाला कर देते हैं पहले, ठीक है, लोड वाला पहले कर देते हैं, ठीक है, चल पहला वाला कर, खुश हो जाए, ठीक है, अब इसी को खुश कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो भाई लड़की तू बता यहाँ प्रेशर कितना होगा, यहाँ पी नॉट होगा, खाली है यहाँ कुछ नहीं है, कितना होगा पी नॉट, यहाँ लिक्विड बनाया मैंने, तो साइड में तो देखते रहे, मैंने कब मना करा, कहाँ है, उसके ऊपर कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट ऊपर, यहाँ के, यहाँ हर जगह पी नॉट भाई, बाहर यहाँ पी नॉट और यहाँ भी क्या पी नॉट,
ये कहानी आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब लड़की यहां प्रेशर क्या होगा, जस्ट इसके नीचे, इस सरफेस के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, इससे ज्यादा होगा, कितना मानू, पी मान लू। अब देख एक मिनट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, एक्सप्लेन हो रहा है, ज्यादा है, यहां पर भी पी होगा या नहीं होगा? और बिल्कुल देख, पी नॉट प्लस रो जी एच, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ या ना? ये पी जितना इससे बढ़ा है उतना ही यहां पर ये वाली हाइट आ जाएगी। yes, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? yes, चलो कोई बात नहीं। अब पहले देखो, P माइनस P नॉट इज व्हाट, 2s अपॉन R। पक्का? yes, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, एक ही आ गया। ठीक है, अभी हम किससे कर रहे हैं, प्रेशर वाले से कर रहे हैं, 2s अपॉन R। कोई कुछ लिख रहा था चैट बॉक्स में, क्या लिख रहा था भाई, जल्दी बताओ। कर्तव्य जैन तो यहां बैठा है, कुछ तेरे नाम से ही चल रहा है, अब वो कुछ भी लिखेगा तू खाएगा, सुन। अब देखो, अब यहां पर पी नॉट है, ठीक है, इतनी बात, यहां पर कितना पी, सचित देख, यहां पर प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ेगा, कितना हो गया पी, क्योंकि लिक्विड के अंदर है, इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो पी माइनस पी नॉट इज वॉट, रो जी एच। ये बड़ी आसान सी डेरिवेशन है। अब पी माइनस पी नॉट 2s अपॉन आर भी है। yes, आ गया भाई। गया नीचे कि नहीं गया? yes, हो गया एक्सप्लेन। yes, क्या कह रहा है? आना भी वही था, अलग थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, बस नीचे आ गया, अभी कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आई ना, अभी चिंता ना कर, ये तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में आया, ये तो हमें पहले ही पता था, नीचे आया तब है। अब जरा देखो, अभी कह रहा पेपर में दोनों कर सकते हैं, कुछ भी करो पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक मिनट, रुक जा, अब मजेदार बात देखते हैं। ये ऐसा है या नहीं है, अब मैं स्मॉल आर के टर्म में भी लाना चाहूंगा, ये ऐसा है। अब जरा देखो एक मिनट, ये ऐसे आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कैपिटल आर और ये कितना स्मॉल आर, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अच्छा एक चीज और बेटा, एंगल ये वाला जो था, ये पूरा एंगल, ये क्या कहलाता था हमारा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता था कि नहीं कहलाता था, याद करो। अरे कहलाता है या नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, ये एंगल हमारा थीटा कितना हो गया, पूरा एंगल थीटा हो गया, है ना, है थीटा कि नहीं? अरे यस सुनो। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना है, 90 है या नहीं? अब निकम्मो, ये 90 है या नहीं? yes, तो ये जो ऊपर ये वाला हिस्सा बना एंगल का, ये कितना बना, 90 माइनस थीटा, तो सॉरी थीटा माइनस 90, कितना बना, थीटा माइनस 90। अरे बना कि नहीं बना? yes, अरे बेकार बच्चे हैं यार। अरे थीटा माइनस 90, अबे ये पूरा एंगल थीटा है और ये इतना 90 है, तो ऊपर कितना बचा, थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90, तो ये थीटा माइनस 90 हो गया, ये कितना हो गया, मतलब दिस प्लस दिस इज 90, हाँ या ना? तो अगर इसको अल्फा कहता हूं और उसको थीटा माइनस 90, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, हाँ या ना?
अरे भैया ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा देखो, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो? तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 180 माइनस थीटा, और हम गधे हैं साला, जब ये पूरा एंगल थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा तो होगा, हम फालतू घूम रहे थे उधर उधर, ठीक है इतनी बात। अरे क्लियर है? अब रुको एक मिनट, ध्यान से देखो, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है इतनी बात। अब और ये एंगल पूरा थीटा और ये 90, अच्छा ये कितना था, ये कितना आया था थीटा माइनस 90। अगर मैं ये वाला एंगल चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए बेटा जो बीच में ये बन रहा है, क्योंकि आर और आर में रिलेशन तो यही लाएगा, हाँ या ना? ये कितना था थीटा माइनस 90, और इसको अगर मैं कह दूं बीटा, कितना कह दूं बीटा, तो बीटा प्लस थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये मानते हो या नहीं मानते? 180 माइनस थीटा, अरे इतना ही आया ना, ठीक है। अब जरा देखो ये एंगल कितना आ गया 180 माइनस थीटा, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, कॉस बीटा इज, भैया 180 माइनस बीटा ये कितना आया था, कॉस बीटा है, चलो कॉस बीटा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, मानते हो या नहीं मानते हो? कॉस बीटा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, मानते हो? ठीक है, अब एक बात बताओ, बीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, हाँ या ना? आर की वैल्यू क्या डाल दूं, आर अपॉन माइनस कॉस थीटा, आर अपॉन माइनस कॉस थीटा, यस ओ नो? तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई कि नहीं आ गई, ऊपर चला गया, क्या दिक्कत है? माइनस वन ऊपर चला गया, क्या दिक्कत? अब मैथ्स बहुत अच्छी है सबकी, 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, मैंने कहा था माइनस साइन आ जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था यार? एंगल 180 मतलब क्या था, ऑप्टिव्स था, तो अपने आप नेगेटिव, और माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा, किधर गया, नीचे गया, ठीक है इतनी बात क्लियर है? नोट करो इस बकवास को, हो गया भाई? आज वो अटेंडेंस लेने वाला नहीं आया, एक कागज निकाल दे और लिख दे नाम, ना तू मत निकाल कागज, तेरे कागज दिख रहे हैं वो फट जाएगा कागज नीचे जाते जाते, कुछ सही सा कागज, हाँ सही सा पेपर हो, ठीक है हो गया। आधे लोगों ने कल नाम नहीं लिखे थे, 8 लोगों ने, वो जितना बड़ा आलसी है वैसे हम भी हो जाते हैं। अब देखो भाई, चलो ये हो गया मेथड, अब एक काम करो, इसी को लोड बैलेंसिंग से आप लोग करो, करो करो बे, कर लोगे ना लोड बैलेंसिंग से अपने आप, ठीक है भाई? देखो एक चीज देखो, यहां पर ऊपर से आएगा P नॉट प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है इतनी बात, और कैसे करोगे फिर, फिर कैसे करोगे लोड बैलेंसिंग, कैसे करोगे इसमें, सोचो, कोई बात नहीं कर लो अपने आप ट्राई, कल देखेंगे तब बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कैपिलरी एक्शन पे, और कल शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए भी तुम्हारा, मतलब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू।